अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज का व्लॉग है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छी सी यूनिक सी जगह पे मैं जा रही हूँ। तो बस जी आज लास्ट डे था, हमने कहा आज का दिन है, जल्दी से जाते हैं, होकर आते हैं और देख कर आते हैं कि ऐसा क्या स्पेशल है वहाँ पर। तो जी मैं घर से तैयार होकर निकली हूँ और आज मेरा मेकअप बहुत फ्लॉलेस हुआ है और जो मैंने नई फाउंडेशन ट्राई करना शुरू की है, इट इज़ अमेजिंग अमेजिंग। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये और ज़्यादा शाइन और ज़्यादा ग्लो लेकर आती है अपने फेस के ऊपर, बहुत अच्छे से आपके स्किन के अंदर सिंक इन कर जाती है, अगर लगता ही नहीं है कि आपने कोई बहुत हैवी बेस लगाई भी है। तो जब आपका मेकअप अच्छा हो, आप अच्छे लग रहे हो, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, वो दिन ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। तो जी हम आए हैं ओमान एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, यहाँ पर है जी कॉमेक्स। कॉमेक्स एक एग्जीबिशन होती है रिलेटेड टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड स्टफ़ लाइक दैट। और मैं अपनी शादी के फ़ौरन बाद आया करती थी, 2 साल तो आई थी मैं, अब काफ़ी सालों बाद आई हूँ और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमने डिसाइड किया था कि हम दोपहर में जाएंगे सो दैट रश कम होगा और हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा देखने का, एक्सप्लोर करने का। तो हम पहुंच गए हैं कन्वेंशन सेंटर, अब ऊपर चलते हैं और चलकर मिलते हैं आपको मेन हॉल के अंदर। सो जी एंटर होते ही हमारी नज़र पड़ी इस बहुत ही ब्यूटीफुल सी कार पर जो कि थी मेड इन ओमान। और क्योंकि मेरे हस्बैंड की फील्ड यही है तो उन्होंने बहुत अच्छे से इस गाड़ी को एक्सप्लोर किया, चेक किया, स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड स्टफ लाइक दैट। एक्चुअली ये जगह सही में आदमियों के लिए थी क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ था देखने के लिए और कैप्चर करने के लिए कि आई कांट टेल यू गाइस, मैंने बहुत कम शूट किया, लाइक मैंने बहुत इंजॉय किया था यहाँ पर। एंटर होते ही देयर वाज सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, सो मेनी डिफरेंट ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो कि हम यूजुअली नहीं देख पाते या ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते हैं जहाँ पर हम जा सकें। तो ये थी जी एक फॉर्मूला कार और इसके बारे में भी मेरे हस्बैंड पूरा पूरा नॉलेज ले रहे थे, पूछ रहे थे। और ये भी मेड इन ओमान था, जो भी यहाँ पर था ज़्यादातर मेड इन ओमान था, दूसरी कंट्री से भी लोग आए हुए थे टू डिस्प्ले देयर स्टफ़, जो भी टेक्नोलॉजी या सर्विस या प्रोडक्ट वो सेल कर रहे थे उसके बारे में यहाँ पर ढेरों ढेर स्टॉल लगे हुए थे। तो यहाँ पर हमें दिखा जी कॉफ़ी का स्टॉल, तो हमने कहा जल्दी से कॉफ़ी भी ले लेते हैं सो दैट उसको पीते पीते हम ज़रा एक्सप्लोर कर सकें। और ये थी जी अमेज़ॉन कैफ़े, जिसकी कॉफ़ी पहले मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं की, तो फिर मैंने कहा कि चलें ये ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसी है इनकी कॉफ़ी। अच्छा जी कॉफ़ी बनी और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था और मेरे हस्बैंड को यहाँ पर वो लोग मिले जो कि उनको काफ़ी सालों से नहीं मिले हुए थे, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई हम लोग इस साइड पर मूव कर गए माबेला साइड पर। पहले मेरे हस्बैंड मस्का साइड पर रहते थे और वहाँ के फिर सारे फ्रेंड्स कोलीग्स और जो भी था सब कुछ वहीं पर रह गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पर उनको इतने लोग मिले, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरे हस्बैंड का रीयूनियन है अपने फ्रेंड्स के साथ। एक के बाद एक फ्रेंड मिल रहा था उनको, एक के बाद एक कोई जानने वाला मिल रहा था
और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि उनका रीयूनियन हो रहा है, उनको काफ़ी लोग मिल रहे हैं और वो इन्जॉय कर रहे हैं एक्चुअल में। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा जी 3D प्रिंटर, जो कि मुझे बहुत फैसिनेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ये यूट्यूब पर इसकी वीडियोज़ ही देखी थी, लाइव मैंने कभी नहीं देखा था। तो यहाँ पर ये सारे चीज़ें बन रही थी आपके सामने, यूजली पेपर पर प्रिंट करते हैं किसी भी चीज़ की तस्वीर लेने के लिए, यहाँ पर आप प्रिंट का बटन दबाएंगे और वो चीज़ बन जाएगी, विच वॉज़ वेरी वेरी नाइस। अच्छा जी, ये एक और कार थी, इट वॉज़ ऑल्सो मेड इन ओमान, और ये बहुत डिफरेंट शेप की थी और बहुत ही डिफरेंट सी थी। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही कूल नज़र आएंगी। तो चलें मेरे साथ चलते रहें और देखते रहें और इधर क्या है ऐसा स्पेशल। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो सारी स्मार्ट थी, लाइक स्मार्ट सर्विसेज थी, स्मार्ट वेरी स्मार्ट प्रोडक्ट्स, और इसी तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। और अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर, और बहुत डिफरेंट चीज़ें थी लाइक जो यूजुअली हमें बाहर देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पर जगह जगह एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, लेकिन हम लोग जो थे हम लोग सिर्फ यहाँ वहाँ रोम अराउंड करके देख रहे थे। लेकिन जब आप एक्टिविटी पर जाते हो, वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हो, तो दे गिव यू गुडी बैग्स एंड स्टफ़ लाइक दैट, वो सारा सीन था। फिर हम आ गए जी इस यहाँ पर, जहाँ पर एक्चुअली जिसके लिए हम लोग आए थे वो था जी एक वोडाफोन का यहाँ पर एक सेमिनार था, जिसके पास हमें मिले थे और मेरे हस्बैंड ने वो लाजम अटेंड करना था, तो वो भी हम जाएंगे सामने अटेंड करने के लिए। और यहाँ पर उनको मिल गए अपने एक और अदर दोस्त, जिन्होंने हमें ये गुडी बैग्स दिए, और फिर मेरे हस्बैंड की उनके साथ एक लंबी सी कन्वर्सेशन चलना शुरू होगी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम के बाद मिले थे। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मुझे लग रहा था कि मैं रीयूनियन पर आई हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मेरे हस्बैंड काफ़ी सालों से काफ़ी लोगों को जानते हैं, तो उनको फिर ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई मिलता जा रहा था। मैं वाहिद बंदी थी, मुझे कोई नहीं मिला यहाँ पर। खैर जी, फिर हमने यहाँ पर वोडाफोन का सेमिनार अटेंड किया, और उसके बाद वहाँ पर था जी हाईटी का सेटअप। वहाँ पर हमने जी की एक छोटी सी हाईटी, सैंडविचेस, जूसेस वगैरह काफ़ी कुछ था, लेकिन हमने हल्का सा खाया क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं थी। इसके बाद यहाँ पर बिल्कुल लास्ट पर एक डिस्प्ले था लेटेस्ट, जो कि एक रूम था, और वहाँ पर जाने के लिए आपको एक एंट्री करवानी पड़नी थी। इट वॉज़ फ्रॉम अनदर कंपनी, लेकिन उधर इतनी लंबी क्यू थी, इतनी लंबी क्यू थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि हम इतनी देर खड़े हो पाएंगे। तो बस जी, फिर हमने उसको करवाया कैंसिल, और हमने कहा थोड़ा सा और देखते हैं इधर क्या है, और उसके बाद निकलेंगे घर को वापस।
सो जी ये है निजवा फोर्ड का एक मॉडल और ये बनाया गया था 3D प्रिंटिंग सर्विसेज को यूज़ करते हुए और इतना ये अमेजिंग था और इतना लाइट वेट था और छोटी छोटी चीज़ें और भी बनाई गई थी इसी प्रिंटिंग सर्विस को यूज़ करते हुए। और यहाँ पर मुझे दिखा एक बहुत ही अच्छा मॉडल जिसको देखकर मैं तो बहुत अमेज्ड हुई और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि मैंने देखी लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था और मैं नहीं चाहती थी किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो या कोई मेरे व्लॉग में आए और कोई टेंशन वाला सीन हो जाए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं कैप्चर नहीं कर पाई जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन यह कि कुछ चीज़ें आपको अपनी रियल आई से देखकर ज़्यादा अच्छी लगती हैं, एक्सपीरियंस आप करते हो, तो मुझे लगता है जब किसी आप ऐसी नई जगह पर जाएं और जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ हो तो आप उस एक्सपीरियंस को जिएं, उसको आप रियल में एक्सपीरियंस करें। यूजुअली हम लोग वीडियोस और मोबाइल के चक्कर में अपना रियल एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना भूल जाते हैं और इन्जॉय नहीं कर पाते, लेकिन मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया इसलिए मैंने शूट कम किया। सो जी कभी कभी हमें भी ऐसे जगहों पर आ जाना चाहिए जहाँ पर इंटरेस्ट हमारा नहीं होता, जैसे कि ये जगह जो थी ये हस्बैंड के इंटरेस्ट की काफ़ी थी, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन वो हमेशा हमारी जगह पर भी जाते हैं जहाँ से उनका कोई लेना देना नहीं होता, जैसे कि मेकअप स्टोर, शॉपिंग मॉल्स या ऐसी जगहें जहाँ पर हम जाकर उनसे पूछते हैं कि ये ले लें या वो ले लें जबकि उनको कुछ पता नहीं होता। खैर मैंने तो बहुत इन्जॉय किया क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ें वैसे भी मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ और मुझे हस्बैंड से ज़्यादा कुछ चीज़ों का नॉलेज था जिनके बारे में मैं उनको बता भी रही थी। तो खैर मेरा तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, आज लास्ट डे था और जब हमें बसेस मिले तो हमें लगा कि हमें ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि ऐसी जगह पर जाकर आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। तो खैर जब भी तो रश बढ़ता जा रहा था क्योंकि लास्ट डे था और टाइम भी शाम हो रही थी क्योंकि इसका क्लोजिंग टाइम 9 बजे था, तो बस जब भी हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हस्बैंड को जाना है एक मीटिंग पर, वो मुझे घर ड्रॉप करेंगे और मीटिंग पर चले जाएंगे और फिर जब मैं घर जाकर रेस्ट करूँगी क्योंकि चल चल कर पाँव बहुत दुख रहे हैं और मज़ा भी आया, इन्जॉय भी किया है और अच्छा टाइम गुजर गया। तो जी अभी सड़कों पे आप रश देख सकते हैं क्योंकि ऑफ हो चुका है ऑफिसेस का और ये वो रश होता है जो कि अक्सर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि यार मैं रश में फंसा हुआ हूँ, और मैं कहती हूँ यहाँ तो रश होता नहीं है लेकिन जब मैं इस टाइम पर निकलती हूँ ना यूजुअली 4 से 6 7 के दरमियान तो मुझे अक्सर पता चल जाता है कि इस रश के बारे में बात की जाती है। तो चले जी ये आज का व्लॉग था, अगर आपको अच्छा लगा हो या ना लगा हो लाइक देते जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेक केयर, बाय बाय।